अर्चना वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मूली के पराठे बनाने जा रही हूँ। सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी मूली बाजार में आती है, तो मैंने मूली के पत्ते के साथ में ये पराठे बनाए हुए हैं। जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उनके और मूली को कस के बनाया हुआ है। कोमल पत्तों को चॉप करके आटे में गूंदा हुआ है और इसके अंदर हमने स्टफ मूली कस के भरा हुआ है। तो इसके अंदर हम बटर वगैरह के साथ में भी खा सकते हैं, लेकिन चटनी, धनिया पुदीना की चटनी के साथ में और अचार के साथ में ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम मूली के स्वादिष्ट पराठे बनाना। मूली के पराठों के लिए हमने मूली को हम कस लिया है, इस तरीके से मूली को बारीक बारीक कसनी से कस लिया और मूली के जो पत्ते थे उसको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जब हम मूली खाते हैं तो मूली के साथ में पत्ते भी उसके खाने चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। खाली मूली कभी कभी नुकसान कर जाती है, तो हमने पत्तों को भी बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम एक कोई पतला कपड़ा लेंगे या कोई रुमाल लेंगे साफ, और उस रुमाल के अंदर ये जो मूली है जो हमने कसी हुई है वो हम उस रुमाल में डाल देंगे, और रुमाल में डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से निचोड़ देंगे ताकि जो मूली का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल के अलग हो जाए। तो इस तरीके से हमने रुमाल में कसी हुई मूली पूरी डाल दी है और इसको अच्छी तरह से हम घुमाते हुए निचोड़ के पानी पूरा निकाल देंगे मूली का। हाथ से निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन हाथ में ज़्यादा ताकत लगती है तो इसलिए हमने रुमाल ले लिया है। तो रुमाल को इसमें पूरा डाल के और मूली का जो ये पानी है वो निकाल दिया। ताजी मूली होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, और ये जो चॉप किए थे मूली के पत्ते इसमें हम आटा गूंदेंगे, पराठों का नमक डालेंगे। जब हम आटा गूंदते हैं तो इसमें सिर्फ नमक ही डालेंगे और नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मूली बहुत खारी होती है। तो हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और जो ये मूली के पत्ते थे इसको इसमें मिला देते हैं और पत्तों के साथ में हम इसका आटा गूंदेंगे। और जो मूली में से जो पानी निकला था वो पानी हम आटे में यूज़ करेंगे। तो ये पत्ते हम सब डाल देंगे इसके अंदर। और इसको पहले पत्तों के साथ में ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि पत्तों में जो भी पानी होगा वो इस आटे में लग जाएगा, और फिर जो मूली में से पानी निकला है फिर हम उसको इसमें डाल के एक अच्छा सा आटा गूंध लेंगे। तो आटा हमें ज़्यादा कड़क नहीं गूंदा है, नहीं तो हमारे पराठे नहीं बिलेंगे, और ज़्यादा मुलायम भी नहीं गूंदना है। तो ठीक ठीक हम आटा गूंध लेंगे। तो हमने मूली के पत्ते इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब जो पानी निकला था मूली में से जो पानी निकला था वो हम इसमें डाल देंगे। मूली का पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत होगी, तो जितना पानी की ज़रूरत हमें और होगी उतना हम डालते हुए इसमें अच्छा सा एक आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदना है, ज़्यादा डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। तो इस तरीके से ये आटा हमारा गूंद जाएगा। खाली इसके भी हम ऐसे ही पत्तों के पराठे बना सकते हैं, और यदि खाली पत्तों के ही पराठे बनाने हैं और मूली नहीं डालनी है तो इस आटे में हमें अजवाइन डालना पड़ेगा, क्योंकि मूली के साथ अजवाइन जरूर खाना चाहिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें हरी मिर्ची भी पीस के डाल सकते हैं, अजवाइन, जीरा, हरी मिर्ची ये सब डालेंगे तो मूली के पत्तों के पराठे बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो हमें खाली पत्तों के पराठे नहीं बनाएंगे, हम इसमें मूली भी भरेंगे। तो इसके लिए हमने इसमें आटे में खाली नमक डाला हुआ है। आटा हमारा रेडी हो गया है, इस आटे को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और रखने के बाद में फिर हम इससे पराठे बनाएंगे। हमने जो निचोड़ी थी मूली इस रुमाल में तो उसका सारा पानी निकल चुका है, और इसको हम प्लेट में डाल देंगे।
सारा पानी निकल गया है इसका, तो प्लेट में डाल के हम इसको थोड़ा फैला लेंगे ऐसे, और इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो मसाले हम अपने स्वाद के अनुसार जो हमें पसंद है वो डाल सकते हैं। तो हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है थोड़ा, और इसमें अजवाइन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसमें हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दी है। और नमक डालना है तो नमक मूली में अपना होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम डालना, नहीं तो ये खारे हो जाते हैं। तो हमने इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला हुआ है। अब इसको डालने के बाद में मूली में थोड़ी नमी और रहती है, हमने इसमें बहुत पानी निकाल चुके, और फिर इसकी नमी पूरी करने के लिए हमें बेसन डालना पड़ेगा। ये बेसन हमने रोस्ट किया हुआ है, तो ये ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन है थोड़ा भूंज के, तो ये इसमें डालेंगे, भुना हुआ बेसन है। तो 2 टीस्पून हमने बेसन डाल दिया है और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में देखेंगे, यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम बेसन और डाल सकते हैं। तो 2 टीस्पून इसमें बेसन इनफ है। तो बेसन डाल दिया है, ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गई है मूली की। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। पराठे बनाने के लिए तवे को गैस पे रख देंगे, और जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम पराठों को तवे पर डालेंगे। इतने में हम अपना आटा देख लेते हैं, तैयार है। इसको थोड़ा और मल लेते हैं, मलने के बाद में हम इसके आटे से जितने बड़े हमें मूली के पराठे बनाने हैं उतने हम लोई तोड़ लेंगे। सूखा आटा ले लिया है, और अब हम इसमें मूली की स्टफिंग भरेंगे, और अच्छा अनुसार इसको अच्छा भर दो। भरने के बाद में फिर इसको बंद करना है। इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद में इस तरीके से हाथ से ही चारों तरफ से दबाना है। हम चारों तरफ से ऐसे इस तरीके से दबाएंगे तो मसाला भी चारों तरफ हो जाएगा, और बाद में ये जो बीच में है उसको हम हाथ से ऐसे दबा लेंगे ताकि जो बीच का मसाला है वो भी फैल जाए चारों तरफ। तो इस तरीके से हाथ से ही पहले हमें करना है, और जब हाथ से अच्छी तरह से हो जाएगा फिर हमें बेलना है। तो ये जितना बड़ा आराम से हाथ से हो चुका है उतना बड़ा हम कर लेंगे, और अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलने के लिए या तो चकले पे बेलिए, नहीं तो किचन प्लेटफॉर्म। तो किचन प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे, और ये इजीली कुछ भी चीज़ इस पर आराम से बेली जाती है। तो जैसे हम बाकी पराठे बेलते हैं गोल गोल, उसी तरीके से मूली के पराठों को भी बेल देना है, और मोटाई ज़्यादा नहीं रखनी है जितनी चाहिए। पराठे ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते वैसे, तो इतनी मोटाई बहुत है। तो हमने इस पराठे को बेल दिया है, और अब हम इसको गरम गरम तवे पे डालेंगे। तो तवा हमने गरम भी हो चुका है, तो हम इसमें पराठे डाल देते हैं। और पराठे के ऊपर लगाने के लिए तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं, तो हम घी लगा रहे हैं। तो जब एक साइड से पराठा सिक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। थोड़ा थोड़ा ये ऐसे बबल जैसे आ रहे हैं, तो यानी हमें अभी पलटना है, तो इसको हम पलट देते हैं। और पलटने के बाद में इसमें हम घी लगा देते हैं। तो हम इसमें घी लगा देते हैं एक साइड से, और घी लगाने के बाद में दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। एक साइड हमने घी लगा दिया है, पलटेंगे और ये साइड भी इसको घी लगा देंगे। और इसको अच्छी तरह से पहले इसको तेज आंच में सेकना है, और उसके बाद में आंच को हमें मध्य करना है। इस तरीके से पराठे सेकेंगे तो अच्छे सिकते हैं और अच्छे लगते हैं।
ये पराठा एकदम से तैयार हो गया है। अब हम दूसरा पराठा डालेंगे। इसको निकाल लिया और ये हमने दूसरा पराठा डाल दिया है। इस पराठे को भी उसी पराठे की तरह हमें सेक लेना है। तो एकदम मजेदार अच्छे पराठे बन गए और इनको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, ठंडे होने के बाद में अच्छे लगेंगे। इन्हें दही रायते के साथ में नहीं सर्व किया जाता, ये धनिया पुदीना की चटनी के साथ में या फिर अचार के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लीजिए, मूली के पराठे बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।